इस्लामाबाद में मीडिया से गालाइंदे इमरान खान चयो तो नवाज शरीफ ए संदस बारन जे बयानन में फर्क आ है। शरीफ बयानन पंजे पीयू मथा मनी लॉन्ड्रिंग साबित करे छडिया है। इन्होंने खुद ही अपने वालिद साहब को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया है। उन्हें चयो तो पानामा लीक्स पाकिस्तान साजिश ना है। शरीफ बाहर अवाम के बेवकूफ समझन था। संदस चवण तो शरीफ बहरन जे आई टी बहरान नाटक रचायो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो असुल घर अडियाला जेल है। देखे इन दोनों का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनका असल में घर होगा अडियाला जेल जो मुजरिमों की जगह होती है। इन्होंने ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं बजाय बताएं कि ये अच्छा ये जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कुछ नहीं है इनको बताना पड़ना है। और ये जीआईटी के सामने जब जाते हैं दोनों भाइयों ने ड्रामे किया आके बाहर। इमरान खान चाहे तो नैब में नवाज शरीफ खिलाफ करप्शन जा 12 केस आयन। शरीफ खानदान 30 सालन का करप्शन में मसरूफ आए। 12 केस तो भी पड़े हुए हैं नैब के अंदर आपके करप्शन के। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ आपके ऊपर एक केस पड़ा हुआ है। ये खानदान 30 साल से करप्शन कर रहा है। पीटीआई सरबराह जो चवण हो तो मजलूम हूंदे भी वजीर आजम जा बार नंढी उम्र में ही अरबपति बणजी विया जडे त मरियम नवाज सब कुछ जानने बावजूद मुल्क अंदर ए बाहर मिल्कियत न होजन की दावा कंदी रही। इमरान खान चो तो पनामा जा इंकशाफ एक साल अग थिया सबनी के खबर हुई तो मेफेयर फ्लैट शरीफ खानदान जा हैं। चार लंदन के फ्लैट अटैच थे। ये 99 की बात है। ये झूठ बोल रहे हैं कि 2006 में हमने फ्लैट लिए हैं। तो अगर 2006 में लिए 99 में वो फ्लैट कैसे अटैच हो गए अल तौफीक बैंक केस के अंदर लंदन में। पीटीआई सरबराह जो चवण हो तो जमहूरियत में लीडर जिम्मेवार होंदो आ है। इमरान खान चयो तो नवाज शरीफ जेआईटी का बाहर अची अग लिखल तकरीर पढ़ी। एक पहले से तैयार की हुई तकरीर वो उन्होंने पढ़ दी। वो भी शुरू हुए बाबा आदम से उनके ऊपर जो जुल्म होते आए हैं। हुकूमती वजीर जेआईटी ते दबाव विझी रहा है। उन्हें चयो तो आसिफ जरदारी ए नवाज शरीफ मुक मुकाव करे छो है। बई पान में मिलियल माजी में मिसाक जमहूरियत के नाले मुक मुका कयो। आपने आसिफ जरदारी से मुखमुखा किया हुआ था जब उसका 60 मिलियन डॉलर का स्विट्जरलैंड में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट लड़ा था। आप किधर थे? क्योंकि आप उसके साथ मिले हुए थे। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे दोनों ने लूट मार का मुखमुखा किया हुआ था।